दोस्तों स्वागत है आपका टारगेट एसएससी 2020 में। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट इंग्लिश के क्वेश्चंस के बारे में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे, इंपॉर्टेंट है। और चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट आती है स्टेनो से रिलेटेड तो वो सबसे पहले आप तक वो पहुँचे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फर्स्ट यहाँ पे इसका बताना सिनोनिम फैच। फैच मतलब क्या था? फैच का जो मीनिंग होता है, फैच मतलब होता है कोई चीज़ लाना, यानी ब्रिंग। इसका सिनोनिम्स आ चुका है ब्रिंग करके, बट यहाँ पे कुछ और आई करके आया है। तो ऑफिसकेट यानी ए वाला, फर्स्ट वाला। ऑफिसकेट मतलब क्या होता है? ऑफिसकेट मतलब एक टाइप से क्या होता है, अंधेरा करना, काल। ठीक है, अंधेरा या कोई चीज़ ढकना उसे कहते हैं ऑफ, या कोई चीज़ छिपाना, तो वो हो जाएगा ऑफिसकेट। उसके बाद कैरी, कैरी मतलब कोई चीज़ लाना। स्कॉल्ड मतलब क्या होता है? किसी को डांटना, धमकाना, ठीक है, फटकारना, तो वो स्कॉल्ड हो गया। टेंटेलाइज मतलब क्या होता है? टेंटेलाइज मतलब किसी को परेशान करना, किसी को दुख या पीड़ा पहुंचाना, तो वो टेंटलाइज होगा। बट हमें इसका क्या करना था? सिनोनिम्स बताना था। सिनोनिम्स यानी कैरी का मतलब क्या हो गया? लाना। ब्रिंक भी आ गया, इसका ब्रिंक आ चुका है, दूसरा हो जाएगा कैरी। तो इसका आंसर क्या, सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सटीसी मतलब क्या होता है। एक्सटीसी मतलब होता है खुशी, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा खुशी। डेंजर मतलब होता है खतरनाक। फियर मतलब हो गया डर। ग्रीफ मतलब होता है गंभीर। और हैप्पीनेस मतलब क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा उत्साही या खुश जो होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा इसका डी वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कंट्रोवर्शियल। कंट्रोवर्शियल मतलब जो वाद विवाद वाला हो, ठीक है, तो अनसर्टेन, जो निश्चित ना हो, ठीक है, सुनिश्चित ना हो, जिसके बारे में कुछ कह नहीं सकते, वो अनसर्टेन। डूबियस मतलब डाउटफुल है जो। और इसके बाद क्वेश्चनेबल, जिसपे क्वेश्चन है वो भी डाउटफुल, यानी ये तीनों इसको क्या हो गए? सिनोनिम्स। अब हमें इसमें क्या बताना है? इसका एंटोनिम बताना है। तो एनोडिन, एनोडिन मतलब क्या होता है? पीड़ा नाशक, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? पीड़ा नाशक। ठीक है, पीड़ा नाशक यानी दुख को दूर करने वाला। और कंट्रोवर्शियल मतलब एक टाइप से वाद विवाद या दुखी। ठीक है, तो इसका हमारा एंटोनिम्स आ जाएगा सी वाला। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एंटोनिम्स इसका बताना था। अगला है लाइसेंटियस, ठीक है, लाइसेंस से रिलेटेड ये बना हुआ है। लाइसेंस यानी मनमानी वाला, मनमानी करने वाला। ठीक है, लाइसेंस है कोई भी काम कर सकता, ठीक है, मनमानी तो वाला। ठीक है, तो इमोरल, ठीक है, अनैतिक हो गया। इंटेलेक्चुअल मतलब इंटेलिजेंस से बन जाएगा, बुद्धिमान। ठीक है, मॉरल मतलब क्या होता है? नैतिक। ठीक है, उसके बाद विदाउट लाइसेंस यानी बिना किसी लाइसेंस के। ठीक है, तो लाइसेंस आ जाएगा इसका, हमारा मतलब क्या हो गया? मनमाने तरीके से इसका मतलब काम करना होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये विदाउट लाइसेंस यानी डी वाला, इसका क्या आ जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, इसका जो डी वाला है इसका क्या आ जाएगा? सिनोनिम्स आएगा। ठीक है, बाकी तीनों हमारे क्या था? इमोरल हो गया, अनैतिक हो गया, इसके बाद इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिमान हो गया, मॉरल मतलब नैतिक हो गया, और विदाउट आते हैं बिना लाइसेंस के काम करने, यानी अपने तरीके से जो काम करता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया? मनमाना तरीके से काम करना कोई चीज़। ठीक है, इन इसके बाद स्केल अप, स्केल जो हम करते हैं यूज़, स्केल अप, स्केल अप मतलब कोई चीज़ हम क्या करते हैं? मेज़र करते हैं ना। टू बी फुलिश नहीं आएगा, टू मैक्सिमाइज समथिंग नहीं आएगा, टू लीड ए प्लेन एंड बोरिंग लाइफ नहीं आएगा, टू टेक द मेजरमेंट ऑफ समथिंग। ठीक है, स्केल का यूज़ हम किस लिए करते हैं? मेजरमेंट के लिए, इसलिए ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। इसके बाद फीदर इन कैप, फीदर मतलब क्या होता है? पंख, यानी कैप में एक पंख लग गया, इसका मतलब क्या होता है? कोई एक नई अचीवमेंट उसने प्राप्त किया। ठीक है, रिवॉर्डिंग गेम नहीं आएगा, एन एक्साइटिंग मोमेंट नहीं आएगा, एन अचीवमेंट ये हमारा राइट हो जाएगा, अ जॉय ऑफ माई पेरेंट्स रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन हमारा क्या आंसर हो जाएगा? सी आता, कोई अचीवमेंट प्राप्त करना होता है। ठीक है, मेक समथिंग सीम लेस, जिसकी इंपॉर्टेंट बहुत ही कम हो, जिसे हम तुच्छ मानते हैं। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट ना हो। सुपरिटेंडेंट मतलब क्या? सुपरिटेंड मतलब क्या होता है? जो बड़ा होता है। ठीक है, सर्वोच्च जो होता है, सर्वोच्च। ठीक है, ऑप्टिमेलिटी में मतलब भी वही होता है, सेम है, इसका सिनोनिम्स हो गया। ट्राइवलाइज मतलब क्या होता है? ट्राइवल से रिलेटेड ये है, इसका मतलब था तुच्छ। और डम्प डाउन मतलब क्या होता है? एकदम शांत टाइप का, ठीक है, बेजबान, ठीक है, वो होता है डम्प डाउन। तो इसका जो आज आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी वाला, ट्राइवलाइज। ठीक है, इसके बाद ऐड फ्यूल टू द फायर, यानी फ्यूल या फायर में डालेंगे तो क्या हो जाता है? वो भड़का देता है आपको, तो यानी मामले को और ज़्यादा भड़काना है। ए वाला सर, गॉट अदर्स एंग्री रॉन्ग हो जाएगा। इग्नाइट द फायर प्लेस नहीं आएगा, इग्नाइट सही है बट फायर प्लेस यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा। ये होता है किसी भी विवाद को क्या करना? और ज़्यादा उसे बढ़ा देना। ठीक है, तो इसका आ जाएगा वॉर्सन मैटर, यानी इसका हमारा सी वाला हमारा राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद आता है लो नो लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब हर संभव प्रयास करना। लीव द पाथ हाफ वे नहीं आएगा, नॉट मेक इनफ एफर्ट्स नहीं आएगा, ट्राई एवरी थिंग अपसाइड डाउन ये भी नहीं आएगा, ये आ जाएगा ट्राई एवरी थिंग पॉसिबल। ठीक है, हर संभव प्रयास करना, तो डी हमारा राइट हो जाएगा।
इसके बाद गाइज वीडियो चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर ज़रूर करना अपने स्टेनो फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और हर वीडियो को देखें, वहाँ से कुछ ना कुछ आपको सीखने को ज़रूर मिलेगा। वीडियो देखिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।